आदर नमस्कार साथियों साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। आज की जो जानकारी है आप लोगों के डिमांड के ऊपर है। हमारे लाखों शुभचिंतकों ने अक्सर मुझसे कमेंट करके फोन करके ये कहने की कोशिश की है कि डॉक्टर साहब, आपने शुगर के ऊपर बहुत जानकारियां दी हैं, आपने शुगर के ऊपर बहुत वीडियो बनाए हैं, शुगर को लेकर के भ्रांतियां, शुगर क्यों होता है, शुगर के लिए योग और शुगर को लेकर के अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारियां तो आपने दिया है, लेकिन आम डॉक्टर साहब शुगर की होम्योपैथिक दवाएं नहीं बता रहे हैं। साथियों, मैं आप लोगों को आज सचमुच में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। मैं शुगर की उन 5 महत्वपूर्ण दवाओं को, जिसे मैं शुगर के लिए पंच रत्न कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकर के आया साथियों। एक एक दवा को आज मैं सिर्फ एक एक दवा को आप नोट करिए, क्योंकि मैं वीडियो बहुत बड़ा नहीं करूंगा और मैं आपको आज इस जानकारी में सिर्फ उन 5 दवाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, उसका प्रयोग बताऊंगा, जिसे आप अपने घर पे रखेंगे तो आपको शुगर की समस्या के लिए सचमुच में ये रामबाण है। साथियों, आज जिस तरह से शुगर से लोग परेशान हैं, दवाएं लेते हैं और उनका जो है फ्लक्चुएशन होता जाता रहता है, ऐसे में ये दवाएं अगर सचमुच में आपने ले लिया तो हो सकता है कि शुगर की आपकी समस्या से आपको पूरी तरह से निजात मिल जाए। ऐसे हजारों मरीज हैं जिनके ऊपर इस तरह की दवाएं आजमाई जाती हैं, दी जाती हैं और उनका जो फीडबैक आता है उसके आधार पर हम आप लोगों को ये जानकारी देते हैं। ऐसे तो शुगर की होम्योपैथी में बहुत दवाएं हैं, लेकिन ये जो 5 दवाएं हैं साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे में पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी दवा अगर आप होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श से लें तभी आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगी। आप अपने से लेते हैं, डोज का आप इधर उधर कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा रिलीफ कम मिल पाता है, इसलिए आप जब भी दवा लीजिए चिकित्सक के परामर्श से लीजिए। साथियों, अगर पहली दवा की बात करें, पहली दवा है साइजीजियम जैम्बोलिकम। साथियों, ये जामुन से बनाई जाती है। साइजीजियम जैम्बोलिकम होम्योपैथी में सचमुच में शुगर के लिए किसी रामबाण से कम नहीं, वो चाहे आपको शुगर में यूरिन में दिक्कत हो, आपके ब्लड में शुगर हो, यूरिन में शुगर हो, शुगर के वजह से आपका वेट लॉस हो तो, शुगर के वजह से आपके पैरों में झुनझुनाहट हो तो, शुगर के वजह से आपको कमजोरी लग रही है तो, शुगर के वजह से आपको शारीरिक और मानसिक संतुलन न बन पा रहा हो तो, इन सभी परिस्थितियों के लिए साथियों साइजीजियम जैम्बोलिकम बहुत ही अच्छी दवा है। इस दवा को आप 1x में टैबलेट में 1x में लेते हैं तो बहुत अच्छा काम करती है। हाँ, इसे मदर टिंचर में भी देखा गया है कि वाकई बहुत अच्छा काम करती है। तो आप इस दवा को चिकित्सक के परामर्श से जिस पोटेंसी में सूट करे आप लीजिए, है बहुत काम की दवा। दूसरी दवा है साथियों जिम्नेमा सिल्वेस्टा, जिसे गुड़मार भी कहते हैं। साथियों, अगर जिम्नेमा सिल्वेस्टा की बात करें तो साथियों ये बहुत ही अच्छी दवा है। अक्सर क्या होता है कि शुगर जब आप होता है तो शुगर चूंकि आपको मीठा मना कर दिया जाता है तो अक्सर क्या होता है कि अंदर से क्रेविंग होती है, अंदर से मन बहुत करता है मीठा खाने का। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है कि जिम्नेमा सिल्वेस्टा आपके जो स्वीटिश डिजायर है, जो आपकी अंदर से अदम्य जो इच्छा है, उस इच्छा को ही दूर करती है। और इसके साथ ही साथ अगर आपको ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और उसके वजह से भी शुगर आपको है तो उसमें भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। तो जिम्नेमा सिल्वेस्टा शुगर को तो कम करेगी ही करेगी, आपके ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल को भी, ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन रखने में बहुत अच्छा रोल निभाती है। तीसरी दवा है साथियों यूरेनियम नाइट्रेट। यूरेनियम नाइट्रिकम होम्योपैथी की शुगर के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आपको यूरिन से संबंधित बहुत समस्याएं हो रही हैं, आपको यूरिन बार बार लग रहा है, यूरिन आप रोक नहीं पा रहे हैं, यूरिन में जलन हो रही है, यूरिन आपको जो है बहुत ज्यादा हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में यूरेनियम नाइट्रिकम को आप प्रयोग करिएगा
बहुत अच्छा काम करेगी। इस दवा को आप 30 पावर में शुरुआत करिए, इसे 200 1m 10m तक भी आप जा सकते हैं। चिकित्सक के परामर्श से भी इस दवा को लीजिएगा। चौथी दवा है साथियों इंसुलिनम। इंसुलिनम होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी दवा। अक्सर क्या होता है कि ड्यू टू इरेगुलरिटी ऑफ इंसुलिन हमारे शुगर को जो है, शुगर हमारा जो है बढ़ जाता है। तो ये क्या करती है, हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी को पूरा करती है और हमारे शुगर को मेंटेन रखती है। इंसुलिन को आप 1x पावर में लीजिएगा, ये बहुत अच्छा काम करेगी। यानी इसे ट्राइट्यूशन में ही लेंगे तो ये बहुत अच्छा काम करती है। दो दो गोली सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी से लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगी। साथियों लास्ट दवा है एसिड फास। होम्योपैथी की एसिड फास को लॉस ऑफ वाइटलिटी की किंग कहा जाता है। यानी कि अगर आपके यूरिन से संबंधित समस्याओं में अगर आपका वाइटलिटी लॉस हो रहा है, अक्सर क्या होता है कि जब हमको शुगर होता है तो बहुत बहुमूत्र की समस्या हो जाती है, बार बार पेशाब लगती है और रात में तो बार बार उठना पड़ता है, हर घंटे दो घंटे पर जब शुगर बढ़ जाता है तो बाथरूम लगने लगती है, उसके वजह से भी शरीर में कमजोरी होने लगती है, यूरिन में जलन होने लगता है, यूरिन आप रोक नहीं पाते हैं। यूरिन के साथ साथ अगर आपको स्पर्म आ रहा है तो और आपको डायबिटीज बड़ी मिलती है, तो आप एसिड फास का प्रयोग करिएगा। साथियों शुगर को ये बिल्कुल कंट्रोल कर देगी। इसे लोअर पोटेंसी यानी कि 6H में लीजिए। आप इसे 3200 1m में भी ले सकते हैं चिकित्सक के परामर्श के अनुसार। तो साथियों हमें उम्मीद है कि आज आपको शुगर के लिए 5 रत्न आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। इनका आप घर में रख लीजिए, आप इसका प्रयोग करिए, हाँ चिकित्सक के परामर्श से लीजिएगा। अगर कोई समस्या आपको होती है आप मेरे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, फोन करके कल्याणम सभा के किसी भी शाखा में आकर के कमेंट करके आप किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। साथियों मैं पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं अगले वीडियो में आपको शुगर के लिए पंचरत्न लेकर के आऊंगा, मैंने आपको पूरा किया। अगले अगर आपकी और कोई डिमांड है और कोई मेडिसिन और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, व्हाट्सएप करिए, फोन करिए, आपकी सेवा की जाएगी। निश्चित रूप से आपकी सेवा ही अपना धर्म है। साथियों ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप देखते रहे YouTube चैनल डॉक्टर SB तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।